जाती मत शामे चिल मिल राते फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। सोशल डायरीज में हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये है कि आज के एपिसोड में आपको वो इवेंट्स कवर करके दिखाएं जो इस पूरे हफ्ते कराची शहर में हुए थे। हमारे शो का मकसद ये है कि हम आपको वो कल्चरल इवेंट्स दिखाएं जिसकी वजह से आपको ये पता चलता रहे कि हमारा शहर रोशनियों का शहर क्यों है और इसको कल्चरल सेंटर ऑफ द कंट्री क्यों कहा जाता है। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। वहाँ के रहने वालों का लिबास, मज़हब, मौसम, इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि मौसीकी, खाना पीना, ये सब एक कल्चर का हिस्सा होते हैं। सोशल डायरीज़ में हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि कराची के अंदर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, क्योंकि कराची एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और हर इलाके का एक ख़ास कल्चर और रख रखाव होता है। वी ट्राई टू कैप्चर ऑल ऑफ दैट culminated under one roof and presented to you in social diaries. आज के शो में क्या हो रहा है हम आपको दिखाते हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, stay tuned. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हम अपने हर एपिसोड में एक गेस्ट से इंटरव्यू करते हैं, उनसे उनके काम के बारे में पूछते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि हम उन लोगों से बात करें जिनके काम से हम खुद मुतमईन हैं और खुश हैं। लेट्स सी हु वी हैव टुडे। इस तड़प को, इस अट्रैक्शन को तो मोहब्बत कहते हैं, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सोया से। आहक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस बादल को लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। शादी तो मैं हुमायूं से करूँगी। जहाँ तक कि मेरे कैरेक्टर का ताल्लुक है, इट्स अंडर एक बाप और बेटी के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हुई हैं, उनका किस तरीके से रिजॉल्व होती हैं। सो इन वन वे दिस इज़ अ सीरियल विच इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, विच इज़ टॉकिंग अबाउट वेरी इमोशनल सिचुएशंस बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है खफा है कोई। हेलो, आई एम जुनैद खान और इस प्ले का हम शूट कर रहे हैं, उसके प्रोमोस बहुत जल्द ऑन एयर होने वाले हैं। इस प्ले को देखना मत भूलिएगा, ओनली ऑन टीवी वन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नूर। इस टाइम हम टीवी वन के एक सीरियल के सेट पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी मैं रियल में हूँ। शी इज़ फन लविंग, उसको सिर्फ अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी।
सब मुझसे सीनियर हैं, आई एम न्यू ओवर हियर, बट सबके साथ काम करके इतना सीखने को मिल रहा है ना, ऐसा लगता नहीं है कि आप नए हैं. आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप जो करना चाहते हैं आप कर पाते हैं. टीवी वन की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी वन के जितने भी कंटेंट आ रहे हैं, जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, नो डाउट. बिकॉज टीवी वन के साथ ऐसा है कि नाउ दे आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट कि हमने यही रोना धोना ही दिखाना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दे आर नॉट लिमिटेड अबाउट दैट. उनके अंदर ये करेज है कि ओके दिस इज़ वॉट वी कैन शो. कीप वॉचिंग टीवी वन. इस पूरे सीरियल में मैंने, पूरी कास्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड आई एम श्योर इट विल बी योर फेवरेट सीरियल बिकॉज बहुत अच्छी कास्ट है, सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है. सो कीप ऑन वॉचिंग टीवी वन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद सिद्दीकी और आज मायूं का सीक्वेंस हम लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं. जो सबसे मजे की चीज़ है, बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है. डिफरेंट किस तरह से है, क्योंकि ये बहुत मोनोटनस नहीं है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं. मुझे नेगेटिव ज़्यादा मजे के लगते हैं क्योंकि इसमें बहुत मार्जिन होता है, परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है. पॉजिटिव में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, नेगेटिव में आपके पास बहुत कुछ होता है करने को. टीवी वन की जो अच्छी बात वो ये है कि इसके पास बहुत सारे डिफरेंट जो ये कंटेंट इनका होता है, बड़ा डिफरेंट होता है. ये जैसे आपका गुग्गी भी आया था, एक वो बड़ा हटके था, उससे पहले आपका सीता बागड़ी था, वो भी बड़ा एक हटके, बहुत डिफरेंट कंटेंट था. तो टी वन की अच्छी बात ये है कि वो बड़े अलग अलग से डिफरेंट कंटेंट्स लेकर आता है जो शायद दूसरी जगहों पर नहीं चलते होंगे या जो भी एक्सरसाइज रीज़न होता है. लेकिन इनका ये है कि इनके बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम अंसारी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेट पे. बहुत मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो. हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, जिसके अंदर शामिल हैं जुनैद खान, सोनिया मिशेल, अतिका ऑडो, मैं खुद और असद सिद्दीकी. इट्स कमिंग रियली सून ऑन टीवी वन. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लैला वास्ती है, मैं टीवी वन के सेट पर मौजूद हूँ. इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय बाबर एंड इसमें मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे को स्टार्स हैं. ये मेरा कैरेक्टर जो है इस ड्रामे में, उनका नाम परवीन है और अपने आप को पिंकी कहलाना पसंद है. आई हैव legendary Usman Pirzada sahab with me and that's the first time I'm working with him. Mujhe bahut acha lag raha hai unke sath kaam karna. There's Sonia Mishal, Asad Siddiqui and Iram Vinte Shahid is the producer and she's a lovely lovely producer, very efficient and a lovely human being as well. To bada maza aa raha hai. किस्मत मेरा साथ दे रही है, क्या है तुम्हारे पास और दांव पे लगाने के लिए? एक औरत को कोई चीज समझ के उसका सौदा कर दिया. औरत में और नोटों की गड्डी में कोई फर्क नहीं है क्या? Social diary.
आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। गैलरी वन में हमेशा हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट का काम दिखाते हैं जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने माशरे की सोच की अकासी भी करते हैं। लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग टुडे एंड हु द आर्टिस्ट इज टुडे। दो लोगों का काम यहाँ डिस्प्ले है, एक अफान का, दूसरा राहिला अब्रो। राहिला अब्रो इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई लाइक हर वर्क एंड हर इन प्रेजेंट वर्क शी ट्राई टू यूज़ फ्रूट्स एंड डिफरेंट फॉर्म विद हर इमेजरी एंड आई लाइक अफान्स वर्क वेरी मच। Very good work by Afan, and he has taken the traditional things like sarota, surmedani, these kind of thing, and he created something very unusual form, added in those form, and created a different sort of imagery in his work. This is very unusual and very interesting work. I hadn't seen the work of these artists before, and it's a great pleasure to see the delicacy and the humor in a lot of the work. So I congratulate the Canvas Gallery on having such a wonderful exhibition. मैंने अभी इस एग्जीबिशन के लिए जो काम किया है वो मेरा बेस्ड है एक सिंधी लेजेंडरी कैरेक्टर है मतायो फ़कीर, उनकी फ़िलासफ़ी पे बेस्ड मैंने काम किया है, जिसमें उनका कहना था कि खुदा जो है वो हर इंसान को एक जितना नहीं बख्शता, तो किसी को कम होता है किसी के पास ज़्यादा होता है, तो उस एक फ़िलासफ़ी की बेस पर जो है मेरी पूरी सीरीज़ पर काम है। आज जो आप लोग आए हुए हैं इस शो पे जिसका टाइटल है वंस अपॉन अ लैंड, इसमें हम लोगों ने काफ़ी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे शेड हिस्ट्री और पार्टीशन ऑफ इंडिया से कलेक्ट किए हुए हैं उनके ऊपर मैंने काम किया है। इसमें हमारी सकाफत का और हमारे हिस्ट्री और मटेरियल कल्चर का काफ़ी इंक्लिनेशन है। आप आके देखें, आपको आई एम श्योर मज़ा आएगा। थैंक यू। शहर का रंगा रंग आईना सोशल डायरी, शहर का रंगा रंग आईना सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा। हम अपनी हर एपिसोड में कराची शहर के बारे में थोड़ी सी बात जरूर करते हैं। मैं चाय पी रही हूँ, कराची वाले जो हैं वो अपनी चाय पीने की आदत की वजह से भी काफ़ी मशहूर है। कहा यह जाता है कि हम पानी की जगह चाय पीते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ नेक्स्ट इन सोशल डायरी, स्टे ट्यून्ड।
आज के दिन हमने माशाल्लाह से कराची के अंदर पेरी पेरी ओरिजिनल के नाम से एक न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग हम लॉन्च कर रहे हैं इसको बाकायदा। माशाल्लाह अच्छा फीडबैक है लोगों का इस हवाले से, लोग आए भी हैं, लोगों ने टेस्ट भी किया है और बेसिकली स्पाइसी लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फूड। ये है पेरी पेरी ओरिजिनल और यहाँ की चिकन बहुत ज़बरदस्त है। आइए अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ, इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट और फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं, यू कैन हैंग आउट एंड बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। आई एम श्योर यू गोना लव द फूड हियर। आई एम सो हैप्पी कि लंदन की ये फ्रेंचाइज पेरी पेरी पाकिस्तान में खुल गई है एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि हम सब पाकिस्तानी जितने भी हैं वी आर ऑल चिकन लवर्स और हमारे लिए एक और ऐसी जगह खुलना जहाँ पे चिकन अवेलेबल हो इज वेरी गुड और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के फ्लेवर्स हैं। बहुत ज़बरदस्त एक डिफरेंट सा टेस्ट हमारे कराची में आ चुका है और वैसे भी हम बहुत सारे फूड लवर्स हैं तो कुछ भी नया आता है तो वी गॉन क्रेजी, तो आई थिंक वी शुड ट्राई दिस। और बहुत मज़े का चिकन का इनका टेस्ट है और जो स्पाइसी फूड पसंद करते हैं उनके लिए तो बेस्ट प्लेस टू कम अराउंड और एक अच्छा इन्वायरमेंट है। मैं इस वक्त पेरी पेरी पे हूँ और पेरी पेरी यार बहुत एक अच्छी जगह है, एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा है, खाना बहुत मज़े का है और आप लोग आएँ इंजॉय करें यहाँ का फूड। एक नया रेस्टोरेंट कराची में खुल रहा है, लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक खाना भी बड़ा मज़े का लग रहा है पोर्चुगीज स्टाइल, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप दैट इट डज रियली गुड बिजनेस। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, दैट्स पेरी पेरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ डिफरेंट फ्लेवर जो बाहर के होते हैं जब वो यहाँ लॉन्च होते हैं तो उनको वहाँ पे खाने में मज़ा आता है, आप इंजॉय भी करते हैं उनको। और हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए जो फर्स्ट एंटरटेनमेंट है वो है ही खाना पीना। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। वी टेक यू टू एन एक्साइटिंग इवेंट राइट नाउ, आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। Hi everyone, I'm Spider-Man, clearly, not really, sort of, I mean, okay, for now I'm just Zira Khan, okay? ये Lucky One Mall पे event हो रहा है, it's called Superheroes Return, और ये पाँच छः दिन से चल रहा है, I think today is the last day, which is pretty cool for a last day, this is really amazing, और I am a cosplayer, everyone, यहाँ सारे cosplayers हैं, we do this full time as well, along with studies and everything, और मैं ये encourage करना चाहता हूँ कि जो लोग ये बैठ के देख रहे हैं, आप लोग please या तो सपोर्ट करें या तो ज्वाइन करें बिकॉज दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। आप लोग बहुत मज़ा आता है इसमें, आप और अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं, आपको जज होने या कोई डर नहीं होता, आपको जो चाहे, आप मुझे देखें एक वन फुल टाइम यूनिटार्ड में आया हुआ हूँ एंड आई डोंट केयर, आई एम फाइन विद इट। सो आई होप एवरीवन इज़ वॉचिंग एट होम, बोर्डम ख़त्म करें, लकी वन मॉल आए। Probably the first time this is happening in Pakistan ke hum log public event humne aisa kiya hai ki jisme we have all the characters hai and children are you know having fun, a lot of fun actually, kyunki bahut kam aisa hota hai ki we get to see the people we see in the TV screens, so this is just like a dream come true for me because I can act out who I always wanted to be and this is fun. Let me take a selfie.
بڑا کامک کون انعقاد کرایا ہے لکی ون کے اندر. اس سے بڑا کبھی بھی پورے پاکستان کے اندر کامک فیسٹیول کبھی بھی نہیں ہوا. مور دین 100 سپر ہیروز, ایونجرز ہو, ڈی سی, مارول, کامکس ہو, یا ایچ بی او ہو, یا نیٹ فلکس ہو, یہاں پہ سارے کے سارے لوگ ہم لوگوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے اور بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آیا ہے یہاں پہ. We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ہمیں خط ضرور لکھیں اگر آپ ہمارے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. سوشل ڈائریز کی ویب سیریز جو ہے ویب پیجز پہ چل رہی ہے. آپ ہمیشہ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آج کا شو کیسا لگا, آپ اس میں کیا چینجز چاہتے ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آئی ایم ریڈی اینڈ ولنگ ٹو لسن ٹو یو اینڈ اٹس اے لاٹ مور انٹرسٹنگ فار می اگر آپ کا ان پٹ بھی ساتھ ساتھ شو کے لیے آتا رہے. آپ کا اظہار خیال میرے لیے ضروری ہے. میں آپ سے ملوں گی اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل. Till then, take care of yourselves. خدا حافظ. جگمگ شامیں چل مل راتیں, فیشن اور اسٹائل کی باتیں, شہر کا رنگا رنگ آئینہ, سوشل ڈائری.